नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अवर इंडियन टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में ड्रॉप डाउन क्वेश्चन करेंगे कि कैसे इसमें ड्रॉप डाउन लेके आने हैं। तो देखिए, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कुछ नहीं, यहाँ से उठाया है और वहां पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय मान के चलिए आपके पास नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखते हैं। अब क्या होता है कि आपके पास मान के चलिए काउंटिंग में 50 एम्प्लॉय है, तो आपको 50 एम्प्लॉय से ही फॉर्म भरवाने हैं। तो क्या करना है, सब लोग के नाम आप यहां से एक्सेल से या कहीं से भी उठा के यहाँ पेस्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये मैं यहां से पहले सबको डिलीट करता हूँ। ये आपका यहाँ देख सकते हैं डिलीट हो गया। अब यहाँ नेम, मैं यहाँ से एग्जांपल ले लेता हूँ, नेम एस टाइटल, एस पे है ना, एस टाइटल, यहां से मैं एस से जितने भी नाम आते हैं उसको उठा लेता हूं पहले। तो ये एग्जांपल के लिए है, आप यहाँ पे अपना जो भी नाम है वो ले लेंगे, जस्ट ये एग्जांपल है। हम यहाँ से बच्चों का नाम उठाएंगे, जैसे कि यहाँ कितने नाम आएंगे देख लेते हैं। जैसे ये इतना नाम यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं ये उठा लिया, यहाँ पे इन सब नाम को यहाँ से उठा लिया, कॉपी कर दिया और यहाँ मैं पेस्ट। ठीक है, ये आ गए सबके नाम। उसके बाद सिमिलर स्टेट मैंने ले लिया, स्टेट से कॉपी पेस्ट मार दी यहाँ पे। फिर उसके बाद स्टेट में इतने सारे स्टेट नहीं है, ये उनके क्या राजधानी भी इनके इसमें इंक्लूडेड है, जैसे वेस्ट बंगाल कोलकाता। ठीक है, तो एक एक डिलीट करने के बजाय हम अभी एज्यूम करके चलते हैं। नेशनलिटी पे यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन क्लिक करिए, ये आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा, ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेशनलिटी यहाँ पे लिख दीजिए, नेशनल सॉरी कंट्रीज लिखिए, कंट्री नेम, और इसको नेशनल लेने के बजाय कंट्रीज कर दीजिए। ठीक है, ये नेशनल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सबको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ जितना भी दिख रहा है इतने सारे कंट्रीज हैं, सबको कॉपी करके वहां पेस्ट कर दीजिए। नो डाउट आप उठा के यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको, ये जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पे, मैं यहाँ से उठाया और यहाँ मैंने सबको पेस्ट कर दिया। ठीक है, 131 दिख रहा है, बट बीच बीच में ये के एल ये सब चीजें हिस्सा हैं। तो यहाँ ये समझ आ गए होंगे, जेंडर आपको समझ आ गया, यहाँ पे भी हम ड्रॉप डाउन कर देते हैं, यहाँ कैटेगरी भी हम ड्रॉप डाउन कर देते हैं। अब साथ में कुछ ऑप्शंस और मैं आपको शेयर करता हूँ कि एम्प्लॉयज से हमें कंपल्सरी पूछना ही है कि ये है, इसमें से आपका क्या नाम है। जैसे इसमें आपको मतलब भरना कंपल्सरी है इसको, तो यहाँ रिक्वायर्ड कर देंगे आप। सिमिलर स्टेट भी भरना कंपलसरी है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दीजिएगा स्टेट पे, जैसे कि ये है स्टेट, यहाँ पे रिक्वायर्ड। ओके, और देखिए यहाँ पे कुछ कुछ नाम भी दे रहा है, डिस्क्रिप्शन, गो टू सेक्शन बेस्ड, इससे पहले वाले वीडियो में गो टू सेक्शन बेस्ड मैंने बनाया था। सफल ऑप्शन ऑर्डर, ये सफल ऑप्शन ऑर्डर ऐसा होता है कि आप जब भी क्वेश्चन सीबीटी को सीबीटी वगैरह आप अगर ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे तो इसके बारे में आपको नॉलेज होगा। अदरवाइज मैं आपको शेयर करता हूँ, जब भी आप जैसे इसी क्वेश्चन को ओपन किए हो और आपके बगल वाले पीसी में किसी ने यही क्वेश्चन ओपन किए हैं, तो आपके पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है उनके पहले नंबर पे नहीं होगा, उनके थर्ड या फोर्थ या लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो सफल करते हैं मतलब एक वो इंटरचेंज होते रहते हैं, क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, बस सफल करेंगे। तो सिमिलर यहाँ पे अब देख सकते हैं, यहाँ पे सबको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड करने से क्या होगा, उसको फील करना रिक्वायर्ड हो जाएगा, उसको फील किए बिना वो आगे नहीं जा सकता, ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा जब तक वो फील नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रीव्यू कर लेते हैं हम, प्रीव्यू देखिए। अब देखिए यहाँ पे नेम यहाँ पे आ गया, बस उसको सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी है स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसा भी हो, कंट्री उसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे वो सर्च भी कर सकता है इंडिया, ये इंडिया आ गया। सिमिलर यहाँ पे जैसे वो सर्च करना चाहेगा गुजरात, आई थिंक गुजरात ही आ गया।
ये के बाद जेंडर जैसा भी उसको सेलेक्ट करना है। तो ये था हमारा ड्रॉप डाउन क्वेश्चन सेलेक्शन, आप देख सकते हो ओनली सेलेक्ट किया और सबमिट कर दिया। तो इसमें होता यह है कि सामने वाले से आपको एक फॉर्मेट में आंसर मांगना होता है, तो आप पहले ड्रॉप डाउन में पूरा क्वेश्चन डाल दीजिए और सेलेक्ट कर दीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, अभी तो हमने बनाया ड्रॉप डाउन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा चेकबॉक्स और मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड रहेगा। फिर तो उसके बाद हम फाइल अपलोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनाएंगे। फिर आगे नेक्स्ट जो रहेगा वो एड ऑन से रिलेटेड रहेगा, ये सब चीजें क्या है, आपको कैसे गूगल फॉर्म से फोटो पेज में जाना है, कैसे आप एक डिग्री एक सर्टिफिकेट किसी को प्रोवाइड कर सकते हो ऑटोमेटिकली, ये सब चीजें यहाँ पे है। तो आगे जो भी ऐसे वीडियोस आपको देखने हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल पे बने रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहे। थैंक यू।